हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्थोग्राफिक का ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स की डायरेक्शन को देखते हुए, एक्स की डायरेक्शन से देखते हुए निम्नलिखित सममिति दृश्य को फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू ड्रॉ कीजिए। तो यहां पर हमें दिया गया है एक्स की डायरेक्शन, तो एक्स की डायरेक्शन यहां पर दी गई है, तो इट मीन्स यहां पर, यहां से हमारा फ्रंट व्यू बनेगा या एलिवेशन बनेगा। फ्रंट व्यू दे सकते हैं या फिर एलिवेशन भी यहां पर दे सकते हैं। देन यहां से हम टॉप व्यू देखेंगे, देन यहां से हम साइड व्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि जो हमारा फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू में हमारी लेंथ दिखाई देती है। यह जो लेंथ है हमें, यह फ्रंट व्यू में दिखाई देगी। देन विड्थ जो होती है वह हमें साइड व्यू में दिखाई देती है, और जो टॉप व्यू में लेंथ और विड्थ दोनों हमें दिखाई देती है। यहां पर हम देख लेते हैं फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देता है। फ्रंट व्यू में हमें यह लेंथ दिखाई देगी, प्लस एक और चीज दिखाई देगी जो हाइट है इसकी, वह हमें यहां पर दिखाई देगी। तो इट मीन्स फ्रंट व्यू में हमें लेंथ और हाइट दोनों दिखाई देती है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं साइड व्यू में, तो साइड व्यू में हमें क्या दिखाई देगा? साइड व्यू में हमें दिखाई देगी विड्थ प्लस जो इसकी हाइट है, इस कंपोनेंट की जो हाइट है वह हमें दिखाई देगी। ओके, देन अब यहां पर हम टॉप व्यू की बात करते हैं, तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देगा? ये लेंथ दिखाई देगी, देन यह विड्थ दिखाई देगी। तो लेंथ प्लस विड्थ हमें टॉप व्यू में दिखाई देगी। तो हमने यहां पर हमारी सीट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो हमारी सीट है उसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब यहां पर जो है, यह एक रेफरेंस लाइन ली गई है जिसे हम एक्स वाई लाइन कहते हैं। तो हम यहां पर लोकेशन पता कर लेते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू कहां पर लोकेट होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है, तो यहां पर हम लिख देंगे एचपी अपॉन वीपी। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल होता है ये, कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एचपी एक्स वाई लाइन के ऊपर होता है, देन वीपी जो होता है रेफरेंस लाइन के नीचे होता है। तो यहां पर एचपी में हम जानते हैं कि एचपी में हमेशा टॉप व्यू बनता है, इट मीन्स यहां पर टॉप व्यू बन सकता है या फिर यहां पर भी टॉप व्यू बन सकता है। देन वीपी में हम जानते हैं कि हमेशा फ्रंट व्यू बनता है, यहां पर फ्रंट व्यू बन सकता है या फिर यहां पर फ्रंट व्यू बन सकता है। तो हम यह कैसे डिसाइड करें कि इन दो पार्ट में से फ्रंट व्यू कहां पर हमारा प्लेस्ड होगा, देन यहां पर इन दोनों पार्ट में से टॉप व्यू कहां पर प्लेस्ड होगा। तो सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन किस क्वेश्चन में जो हमारा डायरेक्शन फ्रंट एलिवेशन का जो डायरेक्शन है वह कहां से दिया गया है। तो हम यहां पर देख रहे हैं जो हमारा एलिवेशन में डायरेक्शन दिया गया है राइट हैंड साइड से दिया गया है, देन साइड व्यू का जो डायरेक्शन है वह लेफ्ट हैंड साइड से दिया गया है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यह कंडीशन होती है कि जो साइड फ्रंट व्यू होता है हम जिस डायरेक्शन से देख रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में हमें बनाना होता। तो यहां पर हमारा जो फ्रंट व्यू है वो राइट हैंड साइड व्यू है, आरएचएस फ्रंट व्यू है। ओके, तो राइट हैंड साइड में हम यहां पर फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। देन यहां पर हम जानते हैं कि फ्रंट व्यू के साइड में साइड व्यू होता है, देन फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर हमारा टॉप व्यू बनता है। इटमीन्स हमें अब यहां पर प्लेस मिल गया है कि हमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू कहां पर, साइड व्यू कहां पर ड्रॉ करना है। तो ड्रॉइंग स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं। जो हमारा लेंथ है एल, विड्थ एंड हाइट, यहां पर देख लेते हैं हमारा जो लेंथ है वो दिया गया है 96, देन जो विड्थ दिया गया है वो 60 mm दिया गया है, देन जो हाइट है हमारा यहां पर हम देख रहे हैं 10 mm, देन 10 mm, और इस सेंटर से 30 mm का रेडियस है, तो यहां पर 10 10 50 mm यहां पर हाइट हो गया है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू में हमें लेंथ और हाइट दोनों दिखाई देते हैं। इट मीन्स यहां पर इस एक्स की डायरेक्शन में हमें लेंथ दिखाई देगा, देन वाई की डायरेक्शन में हमें हाइट दिखाई देगा। तो इट मीन्स यह वाला जो पार्ट होगा वह एक हाइट जो होगी वह इस लाइन पर दिखाई देगी, और जो लेंथ होगी वह इस लाइन पर हमें दिखाई देगी। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं हमें फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखाई देगा। जो भी हमें पार्ट दिखाई देंगे, जैसे ये वाला पार्ट हमें दिखाई देगा, ये वाला पार्ट हमें दिखाई देगा, ये पूरा पार्ट हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगा, तो इसको हम सेडेट कर लेते हैं। सेडेट करने से क्या होता है कि हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है कि हमें क्या क्या दिखाई देगा। तो हम यहां पर इसको सेडेट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पार्ट को जो हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगा इसे हमने शेडेड कर लिया है। अब यहाँ पर एक बॉक्स जनरेट कर लेते हैं हम 96x50 का। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर डायमेंशनिंग कितना है। तो डायमेंशनिंग जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं 96 mm में से 60 mm जो है सेंटर वाला पार्ट है। एडमेंट से यहाँ पर जो है 36 mm एक्स्ट्रा बचा। एडमेंट से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह 80 mm है, देन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह 18 mm है। तो यहाँ से हम कॉर्नर से दोनों कॉर्नर से तो यहाँ से 18 mm लेफ्ट साइड में, देन 18 mm राइट साइड में, ओके। तो यह जो पार्ट है यहां से यहां तक का यह 60 mm का हमें पार्ट मिल गया है। यहां पर हम इस लाइन को डार्क कर देंगे। जो डिस्टेंस है 10 mm ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो रही है, यहां से हम 10 mm ऊपर जाते हैं। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया इसलिए हमने यहां पर स्केल लेकर बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहां पर जो 60 mm की लाइन थी वह ड्रॉ कर ली है। देन अब यहां पर हम देख रहे हैं इस वाले पॉइंट से 10 mm ऊपर एक वर्टिकल लाइन जा रही है। तो यहां पर एक 10 mm ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इसके बाद इस कॉर्नर पर भी 10 mm ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही है। यहां पर भी हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है। देन यहां पर देख रहे हैं यहां से जो यह डिस्टेंस है यहां से यह लाइन यहां तक आ रही जो 96 mm तक है। एडमेंट से यहां से एक लाइन ड्रॉ होगी वर्टिकल जो हमारी जो बॉक्स है वहां तक आएगी। देन इस साइड में भी एक लाइन होगी जो कि इस बॉक्स तक आ जाएगी, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके देन अब यहां से देख रहे हैं 10 mm ऊपर एक वर्टिकल लाइन है, यहां पर हम 10 mm ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। देन इस साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 mm ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी, 10 mm डिस्टेंस की एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। देन यहां से देख रहे हैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, इसमें से 18 mm हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं 18 mm। देन यहां पर भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इसके बाद हम देख रहे हैं हमें यह सर्कल दिखाई देगा। तो सर्कल का जो सेंटर है यहां इस लाइन से 20 mm ऊपर है, तो यहां से 20 mm ऊपर जाएंगे, 30 mm का रेडियस लेंगे। देन यहां पर सेंटर में रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके तो इस तरह से हमारा यह जो सर्कल था हाफ सर्कल यह हमें दिखाई दे रहा है। देन इसी सेंटर से एक सर्कल और ड्रॉ किया गया है जिसकी जो जिसका डायमीटर जो है वो 35 दिया गया है। तो यहां पर हम 35 एडमिन से 15 का रेडियस लेंगे, 15 mm का। प्रकार में 15 mm रेडियस का चाप लिया, 15 mm का रेडियस मेंटेन किया। देन यहां पर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे।
तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो 15 mm रेडियस का जो सर्कल था वो अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। देन इसके बाद यहाँ पर जो यह आर्क कट किया हुआ है हम यहां से देख रहे हैं वो दिखेगा नहीं, लेकिन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी पार्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हमें बनाना होता है और वह हिडन लाइन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो इसका रेडियस है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि इसका जो रेडियस है वह 10 mm है। एडमिन से यहां से इस कॉर्नर से एडमिन से इस कॉर्नर से 10 mm इधर आकर एक लाइन दिखाई देगी, जो जो हमारा याला कॉर्नर है यहां से 10 mm इधर आकर हमें एक हिडन लाइन दिखाई देगी। यहां पर हम देखते हैं टेन एम एम यहां इस साइड से भी दिखाई देगी, यहां पर हम हिडन लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन यहां पर भी एक हिडन लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो फ्रंट व्यू है वह कंप्लीट हो गया है। तो अब हम यहां पर टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हम देखते हैं टॉप व्यू हमें क्या क्या दिखाई देता है। टॉप व्यू में हमें लेंथ और विड्थ दिखाई देती है। इट मीन्स ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, याली लेंथ दिखाई देगी, देन ये विड्थ दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम यहां पर जो हमें पार्ट दिखाई दे रहा है उसको यहां पर हम हाईलाइट कर लेते हैं। यह वाला पार्ट हमें दिखाई देगा, देन ये वाला पार्ट भी हमें टॉपी में दिखाई देगा, इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे। देन ये वाला पार्ट भी हमें दिखाई देगा टॉपी से, जब हम ऊपर से देखेंगे तो यह भी हमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार से यह वाला जो एरिया है, यह जो सरफेस है, यह हमें टॉपी में दिखाई देंगे। तो यहां देख लेते हैं हम जो लेंथ हमें दिखाई देगी वह कितनी है हमारी 90L बराबर 96 है, देन जो विड्थ है वह हमें 60 mm। तो यहां पर 96/60 mm का एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहां पर 96/60 mm का जो है एक बॉक्स जनरेट कर लिया है। जो 96 लेंथ जो है वह हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पर दिखाई देगी, देन विड्थ जो है हमको वह वर्टिकल लाइन पर दिखाई देगी। अब यहां पर हम यहां से देख रहे हैं, देन हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये वाला है, तो इस यह जो कॉर्नर है यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें एक लेंथ दिखाई देगी जो 96 mm की होगी, जो है लाइन दिखाई देगी 96 mm की होगी, क्योंकि हम जो ऊपर से देंगे तो यह डिस्टेंस जो है जीरो हो जाएगी। तो यहां पर जो है लाइन दिखाई देगी एक, देन इसी तरह से यहां पर भी ऊपर के साइड भी हमको एक 96 mm लेंथ की लाइन दिखाई देगी। ओके, देन अब इस कॉर्नर से हम देखते हैं तो यहां से एक ये बॉक्स दिखाई देगा जो जिसका जो डिस्टेंस है वह हमारा कितना है 18 mm। यहां से 18 mm लेफ्ट हैंड साइड में, देन 18 mm राइट हैंड साइड में। तो यह पूरा 60 mm की लाइन दिखाई देगी। यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देन यहां पर भी इसी प्रकार से, यह लाइन दिखाई देगी।
अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्कल कट किया हुआ है, जो हम ऊपर से जब टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा। तो यहाँ जो डिस्टेंस है ये 60 mm है, देन इट मींस यहाँ जो होगा ये इसका सेंटर होगा 30 mm पर। तो यहाँ से हम 30 mm ऊपर जाकर सेंटर ले लेंगे, यहाँ पर यहाँ इसका सेंटर होगा, देन यहां से जो रेडियस दिया गया 10 mm का दिया गया, तो 10 mm का रेडियस हम प्रकार में ले लेंगे। तो इस प्रकार से प्रकार में 10 mm का रेडियस लेने के बाद यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसी प्रकार से यहां पर भी इस साइड भी हमारा 10 mm रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ, हाफ सर्कल दिखाई देगा। हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं, मैंने इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस कॉर्नर से ये लाइन हमें दिखाई दे रही है सर्कल तक, तो हम भी यहां पर भी एक सर्कल पर तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी प्रकार से ऊपर भी देन यहां पर भी ठीक। तो इस तरह से हमारा यह वाला जो पोर्शन है वह कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यहां से जब हम ऊपर देख रहे हैं तो यह जो सर्कल है यहां तक पूरा कट किया हुआ, पूरी डेप्थ तक कट किया हुआ है, वह हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो भी पार्ट हमें दिखाई नहीं देते वह ऑर्थोग्राफिक में हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं हम इसके सेंटर से इसका जो रेडियस है वह है 15 mm। यहां पर दिया गया है 35 का जो है सर्कल ड्रॉ किया गया, इट मीन 15 mm लेफ्ट साइड में, देन 15 mm राइट साइड में। तो यहां पर इसका हम सेंटर ले लेते हैं, जो हमारी बची हुई लेंथ है 60 mm का, तो यहां सेंटर से यहां से 15 mm लेफ्ट साइड में, देन 15 mm राइट साइड में, यहां से 15 mm लेफ्ट साइड, देन 15 mm राइट साइड। यहां पर हम हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि यह पार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी पार्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हिडन लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। देन यहां पर भी इसी प्रकार पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां पर हमने टॉप व्यू में यहां पर जब हम देख रहे हैं तो ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है यह एजेस हमें ऊपर से दिखाई नहीं देगी। यह जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं वह हमें 60 mm है, देन यहां से यहां तक का जो पार्ट है 40 mm, इट मीन्स यहां पर 10 mm इधर और 10 mm इधर जाकर हमें दो लाइन डॉटेड दिखाई देंगी। तो यहां से हम 10 mm ऊपर चलते हैं, 10 mm नीचे, यह दो लाइनें हमें दिखाई, ये डॉट लाइन हमें बनानी होगी।
इसी तरह से यहां पर भी, देन इसी तरह से यहां पर भी टेन एमएम नीचे, देन टेन एमएम ऊपर, ओके तो इस तरह से हमारा टॉप व्यू यहां पर कंप्लीट हो गया। देन यहां पर अब हम हमारा साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। साइड व्यू में हम देखते हैं कि साइड व्यू में हमें जो विड्थ और हाइट दिखाई देगी, तो विड्थ हमारी 60 एमएम है, विड्थ जो है हमारे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पर दिखाई देगी, देन हाइट जो है वह हमें वर्टिकल लाइन पर दिखाई देगी। तो यहां पर हम मार्किंग कर लेते हैं 60x50 का एक बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहां पर एक बॉक्स जनरेट कर लिया 60x50 का। तो यहां पर हम देखते हैं जब हम लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर सबसे नीचे वाला ये वाला होगा। तो यह जो एज है यह हमें पूरी लाइन के रूप में दिखाई देगी। तो यहां पर 60 एमएम की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। टेन एमएम यहां से, देन टेन एमएम ये वाली लाइन हमें ऊपर दिखाई देगी। तो यहां से 20 एमएम ऊपर जाते हैं, देन इसी तरह से यहां भी 20 एमएम ऊपर एक लाइन दिखाई देगी, वर्टिकल लाइन दिखाई देगी, ओके। देन यहां से 10 एमएम ऊपर जाकर, यहां से 10 एमएम ऊपर गए हम, देन यहां भी 10 एमएम ऊपर, यहां आने के बाद यहां हम देख रहे हैं यहां से एक लाइन इस साइड गई है जिसका जो डिस्टेंस है वह 10 एमएम है। यहां से हम 10 एमएम लेफ्ट हैंड साइड में, देन 10 एमएम राइट हैंड साइड में, देन यहां से नीचे एक लाइन आई है, एक लाइन नीचे की ओर ड्रॉ कर देंगे, देन यहां से भी एक वर्टिकल लाइन हमें दिखाई देगी, ओके। तो यह जो दो बॉक्स है हमें यह दिखाई दे रहे हैं। देन यहां से 10 एमएम ऊपर जाके, यहां से 10 एमएम ऊपर हम चले गए, देन यहां पर जो डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है वह 20 एमएम है, 20 20 देन 20, इट मीन 60 यहां आप देख रहे हैं यह 60 एमएम का है। तो 60 एमएम में से 40 एमएम तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, देन यह 10 एमएम और यह 10 एमएम, तो 20 एमएम का यह लाइन है, देन 20 एमएम का इधर लाइन है, तो 20 20 एमएम दोनों साइड से हम आ जाते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं यह लाइन हमें 20 एमएम देन 20 एमएम, अब यहां 20 एमएम का जो रेडियस है यह भी हमें एक लाइन के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि अब जब हम इस डायरेक्शन से देखते हैं तो यह जीरो हो जाती है, तो हमें यह पूरी एक लाइन दिखाई देगी। देन यहां से 20 एमएम इधर आकर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई देगी, वर्टिकल लाइन हमें दिखाई देगी, इसी प्रकार से 20 एमएम इस साइड जाकर भी हमें एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी, जो यह दो लाइनें हैं यहां हमें दिखाई दे रही हैं, ओके। देन अब हम यहां पहुंच गए इस पॉइंट पर, यहां से जो डिस्टेंस है वह इसका जो है 30 एमएम है, इस सेंटर से जो डिस्टेंस है 30 एमएम, ऊपर जाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से 30 एमएम की एक लाइन ड्रॉ की, देन इसी तरह से यहां पर भी एक 30 एमएम की लाइन हमें दिखाई देगी। ओके,
देन यहां से जब हम देखेंगे तो यह 30 mm की हाइट तक हमें यह पार्ट दिखाई देगा। देन इसके बाद यह ऊपर वाली जो एज है यह हमें दिखाई देगी, तो यहां पर एक लाइन के रूप में दिखाई देगी। यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां एक लाइन हमें दिखाई दे रही है। देन जब हम इस साइड से देख रहे हैं, साइड व्यू से देख रहे हैं, तो हमें यह सर्कल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो है हमें इसे ड्रॉ करना होगा। तो यहां पर हम इसका लोकेशन देख लेते हैं। यहां से इस लाइन से 15 mm ऊपर और 15 mm नीचे दो डॉटेड लाइन हमें दिखाई देंगी जो इस सर्कल की होंगी, उन्हें हम ड्रॉ कर लेते हैं। देन यहां पर भी तो इस तरह से हमने यहां पर यह जो साइड व्यू में हम देख रहे थे तो सर्कल हमें दिखाई नहीं दे रहा था, वह हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू यहां पर ड्रॉ हो गया है। अब हम यहां पर इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं। यह जो डायमेंशनिंग है, पहले यहां पर इसका 60 mm का जो डायमेंशनिंग है वो कर देते हैं। यह डायमेंशन है वो 60 mm है। देन इसके बाद यह जो है टोटल 96 mm है। देन यह जो डिस्टेंस है या 18 mm है। देन यह जो सर्कल है यह 30 पाई का है और यह रेडियस जो है 30 रेडियस का है R15। देन यह जो रेडियस है यहां तक का यह 30 mm है। इसको हम लिख देंगे R30। इसी प्रकार से यह जो 10 mm और 10 mm का जो डिस्टेंस है यहां पर कर देंगे हम। टेन एम एम। इस प्रकार से फ्रंट व्यू और साइड व्यू का यहां पर डायमेंशनिंग हो गया। तो टॉप व्यू का डायमेंशनिंग करते हैं। यहां पर टॉप व्यू में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है या विड्थ दिखाई दे रही है, तो इसका जो डायमेंशनिंग यहां पर होगा हमारा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, देन ये वाला डिस्टेंस, देन ये वाला डिस्टेंस, देन ये वाला डिस्टेंस, देन ये वाला डिस्टेंस। पर एरो हेड ड्रॉ कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है यह हमारा है 10 mm का, 10 mm इधर और 10 mm नीचे। यह हो गया हमारा 10 mm, देन 10 mm, देन यह वाला 10 mm, देन 10 mm। यह वाला पार्ट जो था हमारा 10 mm का था, देन यह वाला हमारा 10 mm का, देन यह वाला 20 mm, देन यह 10 mm, देन यह 10 mm। तो इस प्रकार से हमारी यहां पर यह कैलकुलेशन हो गई है। देन यहां पर हम देखते हैं यहां जो ये रेडियस है यह पूरा हमने यहां पर दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहां पर फ्रंट व्यू टॉप व्यू कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।